So 90% of the people from age group of 16 to 25 are dealing with distraction. I was also one of them, but currently I'm not. So today I'm here to share my experience of how I overcame all of my distractions. So first of all, we'll discuss what is distraction and why we are being distracted. तो हम सब अपनी लाइफ में हर स्टेज पे कोई ना कोई गोल डिसाइड करके रखते हैं. एक गोल अचीव करते हैं, फिर दूसरा गोल बनाते हैं, फिर दूसरा गोल अचीव करते हैं, तो तीसरा गोल बनाते हैं. एंड ऐसे ही लाइफ चलती जाती है. बट बहुत सारे लोगों की लाइफ में देयर इज अ मेन हर्डल दैट इज नोन एज डिस्ट्रैक्शन. तो डिस्ट्रैक्शन का बेसिकली मतलब यही होता है कि जो चीज आपको अपने गोल से दूर ले जा रही है, उसे नहीं अचीव करने दे रही है, वही आपका डिस्ट्रैक्शन है. इट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी योर फोन, इट कैन बी चिट चैटिंग, इट हैव मल्टीपल फेसेस. हर एक इंसान की जिंदगी में अलग अलग तरीके के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं. तो अब डिस्कस करते हैं कि व्हाई वी आर बीइंग डिस्ट्रैक्टेड. अब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हमने कोई गोल्स डिसाइड कर लिया है. फॉर एग्जाम्पल 10th एंड 12th में हमें 90% अबव स्कोर करना है. बट इतना ज़्यादा स्कोर करने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा, बहुत सारी सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, अननेसेसरी कहीं पे टाइम वेस्ट नहीं करना होगा. तो ये सारी चीज़ें करना ना बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है. उन्हें चाहिए तो वो चीज़ उन्होंने डिसाइड करी है, बट जो मेहनत करनी है उसके लिए वो नहीं करना. अब उस चीज़ के लिए हमें जो मेहनत चाहिए वो हम कर नहीं रहे हैं. बहुत सारा टाइम बचा है, बहुत सारी एनर्जी है, कहीं ना कहीं से लगाना पड़ेगा. एंड हमारी बॉडी और हमारा माइंड ऐसा है जिसे हर टाइम रिलैक्सेशन चाहिए. हर टाइम अगर तुम कुछ ना कुछ ऐसा करोगे जिसमें उसकी एनर्जी ज़्यादा यूटिलाइज नहीं हो रही है, वो ज़्यादा खुश रहेगा. बट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लंबे समय में ये चीज़ें बहुत दुख देंगी. पर ये चीज़ हमें तब नहीं समझ में आती है जब हमें सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत होती है. तो तब हम अपनी एनर्जी को स्टार्ट करते हैं यूज़ करना वहाँ पे जहाँ से हमें कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है. जस्ट वी डू ऑल दिस थिंग्स फॉर अ शॉर्ट टाइम प्लेजर. एंड इन सभी डिस्ट्रैक्शंस को अपनी लाइफ में बुलावा देने के लिए वी आर द ओनली वन हु इज मेजरली रिस्पॉन्सिबल. इन सब चीज़ों में ना किसी और पर्सन का कोई रोल नहीं है, हम ही हैं जो हमारी लाइफ को बर्बाद करने में लगे हैं. एंड एज वेल आई वॉन्ट क्लियर वन थिंग, देर आर मेनी पीपल जिनके ऊपर फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट है, या फिर उन्हें अपने घर में काम करना पड़ता है, या फिर उन्हें जॉब करनी पड़ रही है, अपने पेरेंट्स की किसी हेल्थ इश्यू की वजह से केयर करनी पड़ रही है. काइंड ऑफ दैट इज नॉट योर डिस्ट्रैक्शन, दैट इज बेसिकली योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. वो कहीं से भी ना हर्डल नहीं है. दैट इज पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड यू शुड एक्सेप्ट इट हैप्पीली. थिंक यू आर स्पेशल, यू हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट स्टिल यू वॉन्ट टू अचीव योर बिग ड्रीम्स. वी आर ह्यूमन बींग एंड हमारे पास एक्सट्रीम पोटेंशियल है अगर हम यूटिलाइज करना चाहें तो. हम सब एक खजाना है. अगर हम सही तरीके से खुद को यूज करें ना तो वी कैन क्रिएट वंडर्स. आप अपने आस पास देखो, हर एक चीज जो आपको दिखती है एक्सेप्ट नेचर इज अ मैनमेड थिंग. इट इज अ इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड वी ऑल हैव अ सिमिलर ब्रेन. जस्ट द डिफरेंस इज हाउ वी आर यूजिंग इट. पता है जब हम कोई छोटा सा भी गोल डिसाइड करते हैं ना, तो तब उस गोल से भी अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसके पीछे का पर्पस, एंड ये पर्पस आपके गोल डिसाइड करने से पहले फिक्स होना चाहिए. बिकॉज यही वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके गोल के एंड तक आपका साथ देगा. योर एवरी गोल डिमांड अ बिग पर्पस एज दिस इज अ इंटरनल एंड ओनली मोटिवेशन विच विल सस्टेन यू इन दिस कॉम्पिटेटिव रेस. एक छोटी सी भी ड्रीम को अचीव करने की जो प्रोसेस होती है वो काफ़ी लंबी होती है. एंड इस जर्नी में अगर आपके पास में एक ऐसा पर्पस नहीं है जो आपको जब भी आप लो हो तो आपको मोटिवेट करके वापस ट्रैक पे लाए, तब चीज़ें काफ़ी डिफिकल्ट हो जाती हैं. एंड तभी इस जर्नी में डिस्ट्रैक्शन वाले पार्ट आते हैं. एंड बाकी जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होते हैं वो मेरे हिसाब से ना बहुत शॉर्ट टाइम के लिए वर्क करती हैं. सी सपोज मैंने 12th फेल मूवी देखी थी काफ़ी अर्सों के बाद में, एंड दैट मूवी वॉज मोर देन वर्थ ऑफ गिविंग माई टाइम. एंड फॉर अ टाइम द रियल कैरेक्टर ऑफ दैट मूवी वो माई इंस्पिरेशन. एंड उस मूवी ने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन मोटिवेट किया होगा, 2 से 3 दिन. उसके बाद जो मेरा पर्सनल रीज़न है वही मुझे मोटिवेट करके हर बार पुश करेगा, हर बार मुझे इस टेबल पे ला करके बैठाएगा पढ़ाने के लिए. एंड जब तक आपके पास एक अच्छा स्ट्रांग पर्पस नहीं किसी चीज़ को अचीव करने का, कितनी भी आप वीडियोस देख लो, कितनी भी आप एक्सटर्नल मोटिवेशन ले लो, वो चीज़ आप कभी अचीव नहीं कर पाओगे. सिर्फ जो हम एक्ट कर रहे होते हैं उस चीज़ के टूवर्ड सीरियस होने की, वही चलता रहेगा. एंड जो ये हमारी करियर बनाने वाली जर्नी होती है ना, उसमें द वन हु वांट्स टू रियली सक्सीड मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक 80% ऑफ टाइम, उनका एंथुसियाज्म लेवल हाई टू मीडियम पे होना चाहिए. बिकॉज टू अचीव एनी पर्टिकुलर गोल इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट. अब ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हर एक इंसान जो सक्सीड हो रहे हैं वो कभी लो पे ना गए हों. एवरी पर्सन हु आर वर्किंग टूवर्ड देयर गोल हैव देयर लो फेजेस. बट जो लो फेसेस की फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है. आप कभी महीने 2 महीने में बहुत ज़्यादा लो जा रहे हो, दैट इज़ प्रिटी फाइन. वीक में थोड़ा सा कभी कभी लो हो जा रहे हो, बट यू आर गेटिंग योर सेल्फ बैक टू द रूटीन, दैट इज़ परफेक्टली फाइन. बट अगर आप हर दिन लो हो रहे हो, फिर आपको हाई पे जाना पड़ रहा है, आप हर वीक में इतना ज़्यादा लो हो जा रहे हो कि आप उस चीज़ों से बाहर ही निकल पा रहे हो, तो इट इज़ क्वाइट प्रॉब्लमैटिक. So the very first point of why you're being distracted is not having a clear purpose in your mind. अगर हमारे mind में clear and strong purpose होता अपने goal के toward, तो हम इतना जल्दी distract होते ही नहीं, because हम अपने goal की तरफ oriented रहते हैं.
आई नो, जब अपने गोल के डायरेक्शन में नहीं रहते हैं, यूं ही टाइम वेस्ट करते हैं, कुछ भी अननेसेसरी कर रहे होते हैं, तो तब हर दिन बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है. बट सेम चीज़ नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर तक रिपीट होती रहती है. एंड द ओनली रीज़न ऑफ दिस गिल्ट इज़ आवर एक्शन इन आवर डेली लाइफ. तो अगर हमें इन सब चीज़ों से निकलना है, तो हमें सबसे पहले अपने डेली एक्शंस के ऊपर फोकस करना पड़ेगा. आई टेल यू हाउ वी हैव टू डू दिस. दीज बुक्स टाइटल एज आईएएस अनिरुद्ध नोट्स आर हैंड रिटन नोट ऑफ अनिरुद्ध यादव, हु सिक्योर्ड 8th ऑल इंडिया रैंक इन यूपीएससी 2022. एंड दीज बुक्स कंप्लीट द होल सिलेबस ऑफ जनरल स्टडीज पेपर 1 टू 4 ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन. तो पेपर 1 एंड पेपर 2 की बुक मैंने पहले ही ऑर्डर करी थी एंड ये बुक मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, तो इसलिए मैंने ये बुक भी ऑर्डर कर ली जो कि पेपर 4 की है. बुक नंबर 1 इज कवरिंग द सिलेबस ऑफ पेपर 1. इट कवर्स आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इंडियन सोसाइटी. देन बुक नंबर 2 कवर्स इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन. द थर्ड बुक इज ऑफ पेपर 3 दैट कवर्स इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी. एंड दिस इज द बुक 4 विच इज फॉर पेपर नंबर 4 दैट कवर्स एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड. दीज बुक्स आर रिटन इन अ मैनर विच मेक्स देम अ रेडीमेड रेसिपी फॉर इफेक्टिव मेन्स आंसर राइटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस बुक स्टार्ट विद अ सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड इंडेक्स वेर इन वी गेट आइडिया दैट होल सिलेबस इज कवर्ड. देन देयर इज अ सिलेबस पेज एंड आफ्टर दिस देयर इज अ एनालिसिस चार्ट ऑफ पेपर नंबर 4 इन विच यू विल गेट आइडिया कि हर टॉपिक से हर साल कितने क्वेश्चन आते हैं. सो द कंटेंट ऑफ दिस बुक इज थीम बेस्ड, सिस्टमैटिकली अरेंज्ड विद क्रिस्प, कंसाइज एंड कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट मैटर विच प्रोवाइड्स अ वैल्युएबल असिस्टेंस फॉर क्विक रिविजन. एंड दिस बुक्स आर प्रीटी सूदिंग टू रीड एज इस बुक का कंटेंट पूरा कलरफुल है. टू एनहांस योर अंडरस्टैंडिंग इट इंक्लूड्स विजुअल एड्स लाइक इन्फोग्राफिक, माइंड मैप्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, फिगर्स एंड मैप्स. एज वेल इन ऑल दिस बुक्स द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आर हाईलाइटेड दैट हेल्प इन एफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन ऑफ क्रूशियल इन्फॉर्मेशन. एज वेल दिस बुक्स हैव इन्फॉर्मेटिव फुटनोट्स थ्रू आउट देयर कंटेंट दैट प्रोवाइड एडिशनल कॉन्टेक्स्ट एंड इनसाइट फॉर रीडर्स. एंड इस बुक में प्रॉपरली ऑर्गेनाइज मैनर में उतनी चीजें कवर करी हैं जितनी एग्जाम के लिए रेलेवेंट है. सो फॉलोइंग द टारगेटेड स्टडी अप्रोच इट कंप्लीट्स द होल सिलेबस बिफोर द एग्जाम. सो द लिंक ऑफ दिस बुक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो एंड चेक इट आउट वंस. So first of all, I would want you to think what all the things are there which are distracting you. Pause the video and think for a while. I hope आपने अपने सारे distractions के बारे में सोच लिया है. Okay, अब मैं answer देती हूँ. आप खुद हो, क्योंकि जब तक आप अपने मन में डिसाइड नहीं करोगे, फर्म नहीं रहोगे और किसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड नहीं रहोगे, तो एक डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करते ही दूसरा आ जाएगा एंड इट कीप्स ऑन गोइंग. अब देखो, चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करती हैं, आपका खुद का मन आपको करता है. सो लाइफ में जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसके टूवर्ड डेडिकेटेड रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप उस चीज़ पर इतना फोकस्ड रहो कि आपका ध्यान कभी कहीं ना भटके. अब इस हमारी जनरेशन का सबसे कॉमन डिस्ट्रैक्शन है यूजिंग फोन फॉर एंडलेस आवर्स. एंड इतना सारा टाइम हम क्यों वेस्ट करते हैं फ़ोन के ऊपर? क्योंकि हमारे पास बहुत सारा खाली टाइम है एंड हमें कुछ चीज़ ऐसी चाहिए जिस पर हम अपना टाइम पास कर सकें. तो फोन्स आर दी बेस्ट थिंग फॉर दैट. अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जब फ़ोन नहीं थे तो लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होते थे. यूजिंग फोन फॉर एंटरटेनमेंट पर्पज इज अ टेम्पररी थिंग. जब हमारी स्कूलिंग के टाइम पे फोन इतने कॉमन नहीं थे तब भी हम डिस्ट्रैक्ट होते थे. सारे दिन टीवी देखना, बाहर जाके पूरे दिन खेलते रहना, बातें करना, और जब कुछ मन ना करे करने का तो खा पी के आराम से पूरे दिन सोते रहना. सो इट्स वेरी क्लियर कि आपके डिस्ट्रैक्शन का जो भी टाइप हो, इट्स टेम्पररी. बट वॉट इज परमानेंट हियर इज बार बार आपके मन का भटकना. एंड ये चीज़ मोस्ट ऑफ द टाइम हम सबको पता होती है कि हमारा लाइफ में सेटल होना, जो भी हम कर रहे हैं उसमें सक्सेसफुल होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए भी और हमारे साथ हमारे अपनों के लिए भी. इस एक चीज़ से हम सबकी लाइफ चेंज हो जाएगी. बट फिर भी सब जानते हुए भी हम अपना पार्ट कंप्लीट नहीं करते हैं. पढ़ाई से तो कोई नाता रिश्ता ही नहीं रहता है. खुद के साथ अपने अपनों को भी एक धोखे में रखते हैं और हर दिन गिल्टी भी फील करते हैं, बट नेक्स्ट डे वही चीज़ें रिपीट होती हैं. एंड दिस विशेस साइकिल ऑफ रूइनिंग योर लाइफ कीप्स ऑन गोइंग. इफ यू गेट डिस्ट्रैक्टेड टुवर्ड अदर थिंग्स इजिली, देन इट इज़ वेरी डेफिनेट दैट द गोल विच यू हैव डिसाइडेड इज नॉट योर फर्स्ट प्रायोरिटी. शायद वो लास्ट है, इसीलिए उसके पहले जितनी भी फालतू चीज़ें हैं आप कर लेते हो और लास्ट में उसके लिए टाइम नहीं बचता है. बट हर दिन गिल्टी फील करने के बाद इस विशेष साइकिल से निकलना तो सबको होता है. तो नाउ वी विल टॉक अबाउट इन चीज़ों को ओवरकम कैसे करना है. कॉजेज तो आपने ढूंढ लिए होंगे कि आप क्यों डिस्ट्रैक्ट होते हो, तो अब हम रेमेडीज़ की बात करते हैं. सो वन थिंग आई वॉन्ट टू क्लियर यू कि इट्स टोटली अ साइकोलॉजिकल गेम. आप अपने दिमाग में जो भी सोचते हो वही करते हो. वट एवर यू थिंक इन योर माइंड इज रिफ्लेक्टेड इन योर एक्शंस. योर ब्रेन एंड माइंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड. इनिशियली ये आपके लिए बिल्कुल पपेट जैसा है. जैसा आप इसको सिखाओगे, जो आप इसको बोलोगे करने के लिए वही करेगा. बट इफ यू विल रिलीज इट्स कंट्रोल, यू वॉन्ट टू रिलैक्स इट, तब इट्स वेरी डेंजरस. इसे बिल्कुल भी देरी नहीं लगती है आपको अपना पपेट बनाने में. तब ये जैसे चीज़ें बोलेगा आप वैसे काम करोगे. सो इफ यू रियली वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस डिस्ट्रैक्शन जोन, यू हैव टू कंट्रोल योर ब्रेन. स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, इट विल श्योरली हेल्प यू आउट टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स एंड
maintain a calmness within you. Then sit calmly and start deciding your priorities. जो आपके लिए सबसे ज़्यादा important है उस पर आपका major focus होना चाहिए. It can be your studies, it can be your job, it can be some skills or any other thing. तो आपको अपना major time उसमें devote करना है. अब जैसा हम सबको पता है कि हम इंसान हैं, हम continuously काम नहीं कर सकते हैं. काम के बीच में हमें छोटे छोटे रिलैक्सिंग ब्रेक्स चाहिए होते हैं. सो नाउ यू हैव टू फोकस ऑन दिस. मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ. जैसे मेरे पूरे दिन का मेजर पार्ट स्टडीज में डिवोट होता है, बीच में मैं बहुत सारे ब्रेक्स लेती हूँ. तो हमें यहाँ पे ये फोकस करना है कि हम इन ब्रेक्स को कैसे एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे हम बिना फालतू की कोई चीज़ किए रिलैक्स हो जाएं, अपनी एनर्जी रीगेन करके वापस अपनी स्टडी स्टार्ट करें. तो मेरे लिए अपना खाली टाइम यूटिलाइज करने के लिए कुछ चीज़ें हैं. जैसे मेरा सबसे फेवरेट काम है खुद के लिए प्यार से खाना बनाना, देन बीच बीच में अपनी चीज़ों को क्लीन करके ऑर्गेनाइज रखना, वॉक पे जाना, अपने जितने भी बचे हुए काम है उनको कंप्लीट करना. तो इन सिमिलर मैनर यू हैव टू डिसाइड फ्यू थिंग्स व्हिच यू कैन डू इन योर ब्रेक टू यूटिलाइज योर टाइम. प्लीज अवॉइड यूजिंग योर फोन्स एंड अदर डिजिटल गैजेट्स अननेसेसरीली. एंड अभी इस टाइम पे अगर हम कोई चीज़ सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ यूट्यूब फॉर एन्जॉयमेंट, फॉर स्टडीज, फॉर लर्निंग समथिंग. तो उसको ऑर्गेनाइज करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अगर आपको सीरियसली स्टडीज़ करना है तो आई डोंट थिंक कि रील्स देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है. तो वो तो आपको सबसे पहले अवॉइड करना है. बाकी जो आपका फीड पेज होता है उसमें आपको उतनी ही चीज़ें रखनी है जो आपके काम की हैं. एक हफ्ते के लिए जो भी चीज़ें आप फालतू देखते हो उनको ना देख करके वो चीज़ें देखो जो आपके काम की हैं. तो यूट्यूब का एल्गोरिदम इज़ वेरी सिंपल. जो चीज़ें आप बार बार देखोगे वही चीज़ें आपके फीड में सजेस्ट होंगी. तो एक हफ्ते अगर आप अपने काम की चीज़ देखोगे तो आपके फीड में वही चीज़ें होंगी. एंड जो खुद के माइंड को कंट्रोल करने वाला पार्ट है ना, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस. जब तक आप अपने आप को कंट्रोल करते रहोगे आप हैप्पीली ग्रो करोगे. जिस मोमेंट आप अपनी जिंदगी को संवारने की कमान छोड़ोगे उसी मोमेंट आपके लाइफ में कोई न्यू चीज़ आ जाएगी आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए. एंड जब भी अपने प्रायोरिटीज़ के ऊपर काम कर रहे हो आपका दिमाग पूरा खाली चाहिए. अगर आपके काम के अलावा कोई चीज़ आपके दिमाग में याद आ रही है उसी मोमेंट पे रिमाइंड योरसेल्फ कि तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो, तुम्हारा क्या पर्पस है, क्या यही चीज़ें करने के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं. ऐसे खुद को हर बार रियलाइज कराओगे ना तो एक टाइम के बाद में चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आना ही बंद हो जाएंगी. समटाइम बी स्ट्रिक्ट विद योरसेल्फ. जितना ज़्यादा खुद के साथ जेंटल होना इंपॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा खुद के साथ स्ट्रिक्ट होना भी इंपॉर्टेंट है. हम अगर फर्मली चाली अपने आप को रिकॉल कराते रहें बार बार तो अपनी सारी बुरी आदतें ना बहुत जल्दी छोड़ सकते हैं एंड उनकी जगह पे न्यू चीज़ों को भी बहुत जल्दी अडेप्ट कर सकते हैं. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना टाइम लेना चाहते हो. जस्ट मेक श्योर कि आप अपने हर एक मिनट को एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हो और पूरे दिन बिजी हो. जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता है करने के लिए तभी हम सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं. मेक अ प्लानर ऑन डेली बेसिस कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है आज के दिन में एंड डू फॉलो इट रिलीजियसली. तो योर स्ट्रॉन्ग अफर्मेशंस टुवर्ड योर गोल्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सो एट दी एंड आई होप थिंग्स आर क्लियर इन योर माइंड. जिस दिन आप अपनी मेहनत को इन्जॉय करना स्टार्ट कर दोगे, जिस दिन आप अपनी गोल की तरफ सीरियसली ओरिएंटेड हो जाओगे उस दिन आपको कोई भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है. चाहे वो कितनी भी बड़ी चीज़ हो आपके गोल के सामने वो बहुत छोटी होगी. आपका डिटर्मिनेशन उसे चुटकियों में हरा देगा. सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड सी यू सून इन माई कमिंग व्लॉग्स. टिल दैट टाइम कीप स्माइलिंग एंड कीप शाइनिंग.